नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। मलिक और सरफराज ने दिया पाकिस्तान को सम्मानजनक स्कोर। इससे पहले शोएब मलिक ने 90 गेंदों पर 78 रन और पाकिस्तान के सरफराज अहमद ने तीसरी विकेट के लिए 107 रन जोड़ करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारत ने पाकिस्तान को शुरुआती झटकों से भी उबारा। हालांकि अंतिम 8 ओवरों में केवल 44 रन देकर के अच्छी वापसी की और पाकिस्तान को 7 विकेट पर 237 रन ही बनाने दिए। आपको बता दें कि दुबई में रविवार को भारत के खिलाफ सुपर फोर के अपने दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतने के बाद भी बल्लेबाजी के लिए मुफीद विकेट पर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। जो अपने जहन में अपनी बैटिंग का भरोसा होगा और इसकी दम पर वह टीम इंडिया के बल्लेबाजों को नेस्तो नाबूद करने का ख्वाब संजोए बैठे थे। लेकिन सुपर संडे के सुपर हिट कहे जाने वाले मुकाबले में भारतीय सलामी जोड़ी यानी शिखर धवन और रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की इस कदर बखिया उखाड़ दी कि वे भारत की पारी की एक भी विकेट नहीं हासिल कर सके। वहीं भारत का इकलौता विकेट यानी शिखर धवन का रन आउट हुए, लेकिन आउट होने के पहले वे अपने बल्लेबाजी से ऐसा कमाल दिखा चुके थे कि भारत को 9 विकेट से पाकिस्तान को चारों खाने जीत करने में कोई परेशानी नहीं हुई। भारत ने यह सब जीत दर्ज की तब उस फाइनल में पहुंचना उनके लिए तय नहीं था, लेकिन इसके एक घंटे बाद अफगानिस्तान बांग्लादेश की 3 रनों से रोमांचक जीत ने भारत को फाइनल में पहुँचा दिया। वहीं भारत जीत चुका है और अब बुधवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाले मैच विजेता फाइनल में पहुंचेगी। जो भी टीम इसमें जीतेगी वह विजेता होगी और वही टीम फाइनल में पहुंच पाएगी। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।